दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव रहे राजेंद्र कुमार ने वॉलंटरी रिटायरमेंट मांगा है। उन्होंने 12 पेज का एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने उन पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला था, ऐसा करने पर उन्हें छोड़ने की बात कही गई थी। इस लेटर में राजेंद्र कुमार ने कहा है कि सीबीआई ने उन्हें और मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए लोगों पर दबाव डाला और बहुत से लोगों की पिटाई भी की। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट की मांग की है। लेटर में कुमार ने लिखा है कि सिस्टम पर उन्हें बहुत विश्वास था, क्योंकि एक गरीब परिवार से आने वाला शख्स भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में कामयाबी पाकर आईएएस बन गया था, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। राजेंद्र कुमार का कहना है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के झगड़े में उन्हें मोहरा बनाया गया है। कुमार ने लिखा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक महीने तक उन सवालों को लेकर उनसे पूछताछ की जिनका उनसे कुछ लेना देना नहीं था। तो सीबीआई दबाव डाल रही है, ये कहना है राजेंद्र कुमार का, जिन्होंने वीआरएस मांगा है। केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव हैं राजेंद्र कुमार, जिन्होंने सीबीआई पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने 12 पेज की एक चिट्ठी लिखी है वीआरएस की मांग के साथ साथ, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने मुझसे कहा था कि अगर खुद को बचाना है तो केजरीवाल को फंसाओ, मैं केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच मोहरा बन गया था, ये लिखा है उन्होंने। साथ ही साथ ये भी कि मानसिक और शारीरिक तौर पर उनको प्रताड़ित किया गया, ऐसे सवाल पूछे गए जिनका मुझसे कुछ लेना देना नहीं था, मुझे अब इस सिस्टम पर भरोसा नहीं है, ये कहते हुए वीआरएस मांगा है राजेंद्र कुमार ने।